लिए नदी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी जयपुर में शहर के 13 जगहों पर नदी अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। ईशा फाउंडेशन की ओर से विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। इस जागरूकता रैली के तहत 22 गोदाम सर्किल, रामबाग सर्किल, अम्बेडकर सर्किल सहित अन्य चौराहों पर विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाई। साथ ही आमजन से मिस कॉल देकर इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इस मौके पर ईशा फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर ने गिरजा शर्मा ने कहा कि सदगुरु का कहना है कि नदियों के दोनों ओर 1 किलोमीटर तक सिर्फ पेड़ होने चाहिए, जिससे नदियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि नदियां बचेगी तो पानी बचेगा तो जीवन बचेगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार एक ऐसा पॉलिसी लेके आए जिसमें सदगुरु ने ये कहा है कि नदियों के दोनों ओर 1-1 किलोमीटर तक सिर्फ पेड़ होने चाहिए। तो पेड़ जब फ्लड की स्थिति होती है तो पेड़ पानी को सोख के धरती में ले जाते हैं, जिससे कि बाढ़ पे कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अपन। और जब सूखा आता है तो वही पानी पेड़ों की जड़ों से नदियों में आ जाता है, जिससे सूखे के टाइम पे भी पानी मिलता है। श्रीगंगानगर के जैतसर की